उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाई जा रही सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार शाम सही सलामत निकाल लिया गया। 17 दिन बाद ही सही सुरंग में फंसे मजदूरों के भविष्य पर छाए काले बादल छट गए हैं। हालांकि सुरंग के भविष्य पर छाए काले बादल छटते नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि सुरंग का भविष्य क्या होगा? इस सुरंग को बनाने का काम फिर से शुरू होगा या फिर केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएगा? उत्तरकाशी में बनाई जा रही ये सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना का हिस्सा है। इसके जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिससे हर मौसम में यमुनोत्री तक पहुंचा जा सके। सिलक्यारा से बरकोट के बीच राडी नाम के पहाड़ में छेद करके बनाई जा रही इस सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है। इस सुरंग की वजह से धरासू और यमुनोत्री के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 1 घंटे और 20 किलोमीटर कम किया जाएगा। ऐसे में नेशनल हाईवे 134 पर पड़ने वाली डबल लेन सड़क चारधाम परियोजना के लिहाज से काफी अहम है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद बीबीसी ने NHIDCL के अधिकारी कर्नल दीपक पाटिल से बात की। अधिकारी ने बताया कि सुरंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कराने की तैयारियां चल रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम जल्द ही सुरंग बनाने के तय नियमों का पालन करते हुए इसे सुधारेंगे। बचाव अभियान खत्म होने के साथ ही सुरंग के बाहर मची हलचल अब रुक सी गई है। यहाँ मौजूद लोगों की संख्या भी कम हो रही है और जल्द ही सुरंग के बाहर मौजूद परियोजना से जुड़े लोग भी बहुत आयात होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरंग के निर्माण में लगे इंजीनियर मलबा हटाने का काम कब तक शुरू कर सकते हैं? सरकारी कंपनी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कर्नल संदीप सुधेरा से बीबीसी ने बात की। कर्नल सुधेरा ने बताया कि 2 दिन के ब्रेक के बाद टनल का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि इस हादसे की वजह से सुरंग के काम में रुकावट आई है और अब हमें बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में हम सुरंग में खुदाई का काम पूरा कर लेंगे। इसके बाद सुरंग में बिजली पहुंचाने से लेकर वेंटिलेशन के लिए जैसे फैन वगैरह लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे में अगले साल अक्टूबर नवंबर तक सुरंग निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। साल 2018 में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट को 4 सालों के अंदर पूरा होना था, लेकिन यह हादसा हो जाने के बाद से इस सुरंग में 483 मीटर एरिया में खुदाई होना अभी बाकी है और अब इस प्रोजेक्ट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है।